शहर में गरीब लोगों के घर तोड़ना ये बहुत आसान और आम बात हो गई है पुलिस वाले और सरकार के लिए। तोड़ने के बाद में यह आकर झाँक कर भी नहीं देखते हैं कि वो किन हालातों में रहते हैं और उनके ऊपर कौन कौन सी समस्या आती है। यह आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। मल्लाड मालवनी कच्चा पक्का रोड की झोपड़पट्टी झूठा आश्वासन दे के तोड़ी गई। नोटिस हम लोग को नहीं दिया, सिर्फ यही बोला है वहाँ पे जो झाड़ काट के रूम बनाए हैं ना 15 रूम तोड़ेंगे, इसके अलावा कोई रूम तोड़ेंगे नहीं। इन लोग ने पहले भी धोखा किया था और अब भी धोखा किया। ये पहला ही डेमोनेशन नहीं है, इससे पहले 25 फरवरी 2009 को इन्होंने इसी तरह से डेमोनेशन किए थे। उस टाइम पर भी जब भी हम लोग बहुत तकलीफ उठाए, बहुत हम लोग को परेशानियाँ हुई और इसी तरह की धूप भी थी। अभी तो थोड़ा बारिश का महीना है तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं। देखिए पहली बात तो हमारा, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अभी हमारे बच्चों के एडमिशन है। आप बताइए, हमारे यहाँ पे लगभग 1000 झोपड़े तोड़ दिए। अगर आप मिनिमम एक घर में 2 बच्चे अगर पकड़े तो आप 2000 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं, आप बताइए। अब इसी सरकार से अच्छा तो कि बिना सरकार के रहना है। सरकार या तो गोली मार दे या तो घर दे दे। दूसरे देश हम जा नहीं सकते, अपना देश छोड़ नहीं सकते। अपना देश छोड़े क्यों? हम अपने देश के हैं, अपने देश के नागरिक हैं। सरकार हम बनाते हैं और सरकार हम पे जुल्म ढाई। सोच के लिए 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, खाना बनाने की तकलीफ है। औरतें वहाँ पे जाके खाना बनाती हैं, हवा आता है तो वो भी डर लगता है कि कहीं आग नहीं लग जाए। जो थोड़े बहुत प्लास्टिक बचे हुए हैं सर छुपाने के लिए, ये भी चले जाएगा। पूरे बर्तन दबा दिए नीचे, पूरे सब स्टोव सब दब गए, सब गए अंदर। कुछ नहीं है खाना बनाने के लिए, प्लेट नहीं है खाना खाने के लिए, कागज में लेके खाना खा रहे हैं तो खाना खाए कैसा? आप चाहते क्या हो? हम यही चाहते हैं कि राजू आवाज योजना के तहत हमारे को घर मिलना चाहिए। हमारा जमीन पे हक है, 20 साल से रहते हैं और हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। हमारी जमीन नहीं छीनना चाहिए। जो हमारे जूने घर के नुकसान हुए उनकी भरपाई चाहिए हमको ये सरकार से। बस्तियां तोड़नी पड़ी, ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसी सरकार ने रणनीतियां और योजनाएं बनानी चाहिए ताकि जैसे ये लोग बेघर हुए वैसे और लोग बेघर ना हो। यहाँ के कलेक्टर को आप कॉल करके जो बेघर हुए हैं उनको घर मिले, यह उनको अपील कर सकते हैं। मुंबई मल्लाड मालवनी कच्चा पक्का रोड से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहड़ के लिए।